डबल कैरेक्टर आप खुद का खुद ही करते हो, मुझे शादी शुदी करनी है या नहीं? और शादी में दोनों हाथ से बजती है ना ताली, तो आप तो दो, आप खुद के साथ भी तो ताली बजा सकते हो ऐसे करके। बजाता ही हूँ अभी बट देखो भाई, या तो इस दीदी को पता नहीं चल रहा कि मैं सवाल क्या कर रही हूँ, या फिर ये दीदी फालतू में समीर फुद्दी बनना चाह रही है, जो कि इस दीदी से हो ना पाएगा। तो दीदी तुम तो रहने ही दो, अब तुमसे ना हो पाएगा। हाँ भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस चैनल पे पहली बार बहुत ही ज्यादा डार्क मीम्स, जो कि वाकई में काफी ज्यादा डार्क हो सकते हैं। तो हेडफोन लगा लेना एंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो अगर आप छोटा भीम होते एक दिन के लिए, सो आप किसको पिक करोगे, राजकुमारी इंदुमती को या चुटकी को? टुनटुन मौसी। क्यों? क्योंकि वो मुझे डेली अपने लड्डू देगी। देखो भाई, ये वीडियो टुनटुन मौसी तक ठीक था, डार्क नहीं था, लेकिन इसने आगे जो लड़के ने लाइन बोल दी है ना, ये वाकई में इस मीम को डार्क बना देती है। मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ ये डार्क तो है। कहाँ है बहन? ये फंस गया। कहाँ ना बहन है? अच्छा भाई, कुछ भी कह ले तू, दोस्त कह ले, फ्रेंड कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन बहन कौन सी बहन है जो चेंजिंग रूम में साथ जाती है? प्लीज मुझसे शादी करो ना, प्लीज। यार क्या शादी शादी कर रही है, मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों, क्या नहीं है तुम्हारे पास? लेकिन यार ये तो फैमिली शो नहीं था, इतनी ज्यादा डार्क मीम यार, ओ नेक्स्ट लेवल। कहाँ है ये देवता? इस वनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ओ मैं, देखो अगर तुम लोगों को समझ नहीं आई तो मैं तुमको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है बीच में, और इस साइड पे है टॉयलेट बॉयज का, और दूसरी साइड पे लड़की हैं जो के उनका भी टॉयलेट है बेसिकली। वो अपना जो सा निहार श्रृंगार कर रही है, कोई मेकअप कर रही है, या कोई ऐसा सीन है, और यहाँ पर बॉयज देख रहे हैं दूसरी साइड से खड़े होके। नेक्स्ट लेवल यार, ये अच्छा था। ये इसके साथ कोई रह नहीं सकता। अच्छा मतलब तुम एक इन्फॉर्मेशन दो, दुनिया में दबाए जाने वाली चीजों में टांगे आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे क्या? पहले नंबर पे क्या है? गला। जो तुम सोच रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम सोच रही हो, इसका क्या मतलब था यार? जो तुम सोच रही हो वो भी ठीक है। क्या हुआ यूमिको? मुझे सुसु आ रही है। बेशरम हो तुम, कुछ करो प्लीज। अगर मामला इतना बिगड़ गया है तो देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलो भी, जो करना है वो जल्दी करो। यार बचपन में ये वाला कार्टून हम देखते, ओ डैम यार इतना ज्यादा डार्क मीम। यार देखो, मैं थोड़ी को ना बहुत ज्यादा शरीफ बंदा समझता था, इसी को मैं शरीफ समझता था, लेकिन यार ये तो नॉटी हो रहा। मौसी लड्डू देना, क्या कर रही हो छोटे वाले? देखो भाई देखो, दूसरे बनाए होंगे ना बड़े किसी ऑर्डर पर देने के लिए, छोटे जो वो दुकानदार को हर चीज डार्क नहीं होती है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर जो सा ना उससे भी काम ले लिया करो। हार्ड वर्क्स मेक्स गर्ल परफेक्ट। अच्छा गोडे छिले हुए। यार इसमें कोई डार्क वाली बात तो नहीं है, हो सकता है लड़की जिम करके आई हो। देखो इस बात की मुझे खुशी है कि फॉरेन में भी इतने ज्यादा सिंगल लोग हैं, मुझे इस बात की खुशी है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में। देखो तुम लोगों को ये वाली मीम डार्क नहीं लग रही होगी, मुझे भी नहीं लग रही, लेकिन अगर तुम और मैं बचपन में ये अल्फाज अपने मुंह से कहते थे, आई नीड गर्लफ्रेंड, तो हालात कुछ और हो सकते थे। Why do you always fly in Emirates first class? तो भाई तभी मैं कहूंगा गुरुजी के चैनल के व्यूज पाकिस्तान की जीडीपी की तरह नीचे को गिरते जा रहे हैं भाई, तो इन चक्करों में फंसे हुए हैं ना। लड़की का चक्कर हो भैया, लड़की का चक्कर। रीता है तो घर में प्रदीप अलराग है, ठीक है। रीता है तो घर में प्रदीप अलराग है, ठीक है। रीता से माँ की चूड़ी। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, चूड़ियां कह रहा है वो, रिलैक्स, हर चीज डार्क नहीं होती, रिलैक्स हो जाओ। तो भाई ये थी डार्क मीम्स, होपफुली आपने एंजॉय की होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना किसका पार्ट 2 आना चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं।